नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आपके बीच में लगातार हम छोटी बड़ी खबर को लेके हाजिर हो रहे हैं, लेकिन आज हम किसानों की खबर को लेके हाजिर हुए हैं। आज बरसात हुई है, बरसात के बाद किसानों के खेती बाड़ी का काम तेजी से अब शुरू हो गया है। तमाम जो प्रगतिशील किसान हैं अब धान की नर्सरी डालने का काम शुरू करेंगे। आज हम इसी मुद्दों को लेकर हाजिर है कि आखिर मार्केट में कौन कौन से धान उपलब्ध हैं और किस धान की वैरायटी क्या है, कितने दिन में पैदावार होगी और किसान कौन सी धान की रोपाई करें जिन्हें उसे उन्हें बेहतर उत्पादन मिल सके। आज हम धुलिया विकास खंड के अंतर्गत चिलमा बाजार में मौर्या बीज भंडार पे मौजूद है, जहां पर आज हम आपको बताएंगे कि इनके पास कौन कौन से बीज उपलब्ध हैं और इन बीज की क्वालिटी क्या है और इन बीज को लगाने में, इसके पौधे लगाने में कितने दिन में जो है पैदावार होगी और पैदावार कितने तक हो पाएगी। तो मौर्या जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। पहला सवाल आपसे है कि आज धान की नर्सरी हम लोग डालेंगे, बरसात हो गई है जी जी, तो आपके बीज भंडार पे कौन कौन से धान के बीज उपलब्ध हैं? हमारे पास है टाटा रिलीज का 8666 है जी, 8655 है जी, और धनिया 748 है जी, और बायर कंपनी का 6444 गोल्ड है जी, और पानीयर कंपनी का 2763 है जी, और कावेरी कंपनी का सुप्रीम सोना है जी, कृषि धन का दामनी है जी, और विष्णुप्रिया का BPT 5004 है जी, और तो कावेरी का संपूर्णा है जी जी। तो इसके पास इसका लेकर के आपको दर्जनों बराकिया का मौजूद है जी, तो जी। आप मुझे बताइए कि जो यहाँ की जलवायु है, जो यहाँ की मिट्टी है जी जी। ऐसे मिट्टी में किसान कौन से धान की नर्सरी लगावे कि उन्हें अधिक पैदावार मिल सके? अधिक पैदावार के लिए खलदर एरिया है जी, तो वहाँ BPT 5004 लगावे। इसका कितना पैदावार है? इसकी पैदावार 6 क्विंटल लगभग, 6 क्विंटल हाँ, कच्ची बीघा 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एकड़ जी जी। और जैसे 8666 है जी, तो हाइब्रिड है जी, उसकी पैदावार आपके 30 से 32 क्विंटल लेकर है जी जी। और 8655 है जी, उसकी पैदावार भी जो 30 से 32 क्विंटल लेकर है, 130 से 35 दिन की उसकी मतलब हाँ अवधि है समय, और 30 से 32 क्विंटल पैदावार ये उत्पादन दे सकती है जी जी। तो एक सवाल हमारा आपसे है कि जो दुकानदार होते हैं, ये जो है एक डॉक्टर भी होते हैं जी जी, ये इनसे अगर राय लेकर के खेती की जाए तो बेहतर पैदावार मिल सकती है? हाँ, बेहतर पैदावार मिल सकती तो है। ये नर्सरी डालने का कब समय रहेगा? अच्छा, नर्सरी डालने का 15 मई से लेकर के 15 जून तक जी डाल सकते हैं जी, लेकिन ये है कि लास्ट मई तक डालने के बाद पैदावार थोड़ा सा अच्छी होगी। अच्छा, जो ये सब वैरायटी हैं ये संशोधित हैं कि कौन सी बीज है? नहीं, संशोधित भी है जी और हाइब्रिड भी है। हाइब्रिड भी जी। तो चावल किसके बढ़िया होते हैं खाने में? चावल देखा जाए खाने में तो संशोधित का ही ज्यादा बढ़िया जी। तो फिलहाल ये जो समय है अनुकूलन है। अच्छा, नर्सरी डालते समय किसान किन किन बिंदुओं को ध्यान दे? जैसे नर्सरी डालते समय खेत की जुताई हो बढ़िया सा जी, और बाद उसको डालने से पहले 2-3 दिन पहले उसको मतलब सिंचाई करवा दे, पानी भरवा दे जी, और जमीन ठंडी हो जाए जी, उसके बाद डालने के 1 दिन पहले फिर उसको मड़ाई कराए, मड़ाई करने के बाद तो फिर दूसरे दिन उसको जरी डाले, और जरी डालते समय जैसे कुछ पौष्टिक आहार, देसी खाद हो, सड़ी कंपोस्ट खाद हो जी, या ये सुपर हो जी, इसको डालें तो बेहतर। तो देखिए, आज हम आपके बीच में ऐसी खबर को लेके आए थे कि जो महत्वपूर्ण है, किसानों के धान के नर्सरी का डालने का समय आ गया है। किसान भाई दर दर भटक रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं हो पाती है कि किस बीज में क्या गुणवत्ता है, कितनी पैदावार होगी। आज हम इसी सब बिंदुओं को लेके आपके चिलमा बाजार में मौजूद थे। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इनके पास दर्जनों वैरायटी के धान उपलब्ध हैं और अब धान के नर्सरी डालने का समय चल रहा है। लोग, किसान भाई नर्सरी भी डाल रहे हैं। नर्सरी डालने की विधि क्या है, मौर्या जी ने पूरी तरीके से बताया है। अगर आप इनके द्वारा जो ये बता रहे हैं, इनके द्वारा खेती करेंगे, निश्चित तौर पर आपको एक अच्छी पैदावार मिल सकेगी। अगर आपको धान का बीज लेना हो तो एक बार यहाँ आप देखिए, निश्चित तौर पर इनके पास तमाम प्रजातियाँ के जो है बीज उपलब्ध है। तो नमस्कार, धन्यवाद।